मेरी जैसी गलती कभी मत करना। तो फ्रेंड्स क्या हुआ था कि परसों मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, मेरा बेबी मूवमेंट कर रहा था तो उसमें खिंचाव सा और दर्द सा बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी दिक्कत हो रही है या कोई भी परेशानी हो रही है, यदि आपको भी पेट में दर्द है या बेबी मूवमेंट करता है उसमें खिंचाव है या वाइड डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है या बच्चा बहुत कम घूम रहा है, तो आपको जाके अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रेगनेंसी से संबंधित एक और नई वीडियो में। ये जो वीडियो होगी वो मैं आज अपने बारे में खुद बात करूँगी कि आप लोग भी मेरी जैसी गलती कभी मत करना। तो फ्रेंड्स क्या हुआ था कि परसों मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो कल मैं डॉक्टर के पास गई थी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके। तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी थी तो सब कुछ ठीक था, सब नॉर्मल था, जो बेबी की मूवमेंट थी वो भी सही थी। तो फ्रेंड्स बहुत दिनों से क्या हो रहा था, जब मेरा बेबी मूवमेंट कर रहा था तो उसमें खिंचाव सा और दर्द सा बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। तो अचानक से कल मैंने अपने डॉक्टर को ये बात बताई तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि आपने पहले क्यों नहीं बताई ये चीज़। तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि ये चीज़ नहीं होती है, जब बेबी मूवमेंट करता है तो दर्द और खिंचाव नहीं होता है। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे दर्द का इंजेक्शन दिया और बोला कि जितनी जल्दी हो सके आप दो इंजेक्शन लगा देना। तो एक इंजेक्शन मैंने कल लगाया था, एक आज लगवाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी दिक्कत हो रही है या कोई भी परेशानी हो रही है, यदि आपको भी पेट में दर्द है या बेबी मूवमेंट करता है उसमें खिंचाव है या वाइड डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है या बच्चा बहुत कम घूम रहा है, तो आपको जाके अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उन्हें बतानी चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द आपका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके, उस चीज़ का सल्यूशन निकाल सके, ना कि आप देर करें और फिर उस चीज़ का कोई सल्यूशन ना हो और आपको भी खतरा हो सकता है, आपके बेबी को भी खतरा हो सकता है इस चीज़ से। तो फ्रेंड्स अभी पिछली बार क्या हुआ था, जब मेरे नाभि के चारों ओर दर्द हो रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझ में पानी की कमी हो गई थी, जबकि मेरा 7वां मंथ चल रहा था। तो इस दौरान पानी की कमी नहीं होती है, यदि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती तो मुझे भी खतरा होता, मेरे बेबी को भी खतरा होता, तो हमें पछताना पड़ता। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, फिर उन्होंने मुझे ड्रॉप चढ़ाई थी और अभी ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग भी ऐसी गलती मत करना। आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी दिक्कत हो रही है या कहीं भी दर्द हो रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, जिससे आप और आपका बेबी दोनों सुरक्षित रहे। तो फ्रेंड्स मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की थी तो मुझे ब्लीडिंग की दिक्कत हो गई थी, तो मैं 4-5 दिन रूम पर रही थी। मैंने सोचा शायद ऐसे ही नॉर्मल हो रही होगी, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ती रही। अगर मैं टाइम से डॉक्टर के पास जाती तो टाइम से सुरक्षित रहती, लेकिन मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसमें बहुत सारा खर्चा भी हुआ था। अगर मैं टाइम से जाती ना ही दिक्कत होती और ना ही खर्चा होता। और फ्रेंड्स मुझे डॉक्टर ने एक बात और बताई है, यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो तुरंत आना है, आप देर मत करना कभी भी। और मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगी कि आप भी कभी देर मत करना, यदि आपकी पानी की थैली फटेगी 9वें महीने में तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, ना कि आप घर ही में रहो। अगर आप घर में रहोगे तो आपके बेबी को भी खतरा होगा और आपको भी खतरा हो सकता है, जिससे आप बहुत पछताओगे।